डेट से छुटकारा पाने के लिए और अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो ये है कि हेलो एंड नमस्ते पेचेक टूज, मैं हूं मनीष आहुजा और ये है पेचेक टू प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो बात करता है आपके साथ आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं 4th, 14th और 24th ऑफ एवरी मंथ को नए वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपके साथ बात करता हूं कि आप अपने पैसे को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अपने पेचेक के थ्रू कैसे ला सकते हैं और कैसे अपने ओवरऑल फाइनेंशियल कॉर्पस को अच्छे से मैनेज करके मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये सारे वर्ड्स अगर आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं या अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊं तब आपको इनके नोटिफिकेशंस आ सके, क्योंकि ये सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे 10 दिन में अगर अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 5 या 10 मिनट देंगे तो आपको ज़रूर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा ऐसी 5 बुरी आदतों के बारे में जो शायद आप कर रहे हों जिससे आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी की सारी पॉइंट्स आपको अफेक्ट कर रही हैं, लेकिन अगर इनमें से एक भी पॉइंट अगर आपको या आपके जीवन में किसी भी आपके लव्ड वन को अफेक्ट कर रही है तो उनकी जर्नी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ थोड़ी सी डीले हो जाएगी और इसे मैनेज करना रिलेटिवली बहुत आसान है। तो पहली चीज़ जो आपके पूरी जर्नी को अफेक्ट कर रही है वो ये है कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। मेरी बात मानिए दोस्तों, अगर आपके पास लाइफ या मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है या आपके जितने भी को डिपेंडेंट हैं, जैसे जो भी लोग हैं जो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, अगर उनके पास लाइफ या मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो प्लीज़ जल्द से जल्द अगर वो एप्लीकेबल हो तो उन्हें इंश्योरेंस दिलाइए। एक मेडिकल या हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आपको फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से धक्का लगा सकता है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। किसी ज़माने में मेरे पिताजी को 2.5 months के लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, जिसमें से 2 महीने वो ICU में थे। अगर हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता तो हमें फाइनेंशियली अच्छा खासा धक्का लग जाता, लेकिन क्योंकि हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस था हमारे लिए ये पूरा प्रोसेस उनके हॉस्पिटलाइजेशन का वो खर्चे का काफ़ी ईजी हो गया। अगर आपने पिछले 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में अगर कुछ भी नया नहीं सीखा है जिससे आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर लेके जा रहा है। अगर हम हर 6 महीने में नए कपड़े ले सकते हैं, अगर 1-1.5 साल में अपना नया फ़ोन ले सकते हैं, अगर 3-4 साल में या 5 साल में एक नई TV ले सकते हैं तो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा सा पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते। थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा एफर्ट लीजिए, कोर्सेस कीजिए या बुक्स पढ़िए जिससे आपको पता चल सके कि आप अपना पैसा और कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये वीडियो देखने से भी आपको थोड़ी सी मदद मिल सकती है, तो इसे देखते रहिए। तीसरी पॉइंट जो आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जा रही है वो ये है कि शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उधार या डेट हो। अब इसके पहले कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं, मुझे एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना है। अगर आपके लाइफ में किसी भी तरीके का सर्कमस्टेंशियल डेट है, जो आपको अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई किसी पर्सनल रीज़न की वजह से और अगर आपको डेट लेना पड़ा, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे उन लोगों के बारे में जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल डेट है। आज की तारीख में ऐसे बहुत लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड डेट के साथ जूझ रहे हैं या जिन्होंने TVs, वेकेशंस या ऐसी पता नहीं अन्य लाइफस्टाइल के खर्चे उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड पे या लोन पे किए हुए हैं। अगर आप ऐसे एक व्यूअर हैं, दर्शक हैं, जो अपने एक्सपेंसेस के साथ थोड़े से इम्पल्सिव हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और मैं ये चाहूँगा कि आप अपने लाइफ से डेट को जल्द से जल्द दूर कीजिए। डेट से छुटकारा पाने के लिए और अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो ये है कि आप अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को बजट कीजिए। अगर आप 1,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उन 1,000 रुपये को आप कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हो। बड़े से बड़ी कंपनियाँ हर एक एक पैसे का हिसाब रखती है। क्यों? ताकि वो बजट के हिसाब से अपना पैसा खर्च कर सके, मैनेज कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। अगर आप अपने हर खर्चे को, एक्सपेंस को मैनेज या बजट करोगे तो उससे आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को और इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा अच्छे से मैनेज और मेंटेन कर पाओगे।
पांचवी और आखिरी चीज जो आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जा रहा है या जिससे आप अपना पैसा अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें ईएमआई पे खरीदते हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मॉल गए हो, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में घुस गए और अगर आपको एक टीवी की ज़रूरत थी, आपका बजट था समझ लीजिए 30,000 या 40,000 रुपये, लेकिन आपको एक 60,000 या 70,000 रुपये की टीवी पसंद आ गई जो लो कॉस्ट या नो कॉस्ट ईएमआई पे थी और आपने वो पूरी टीवी ईएमआई पे ख़रीद ली। दोस्तों मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा, मैं भी उसी कैटेगरी में था, लेकिन आज की तारीख में मेरा एक्सपेंस करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है और मैं आपको बता भी नहीं सकता उसका कितना फ़ायदा हुआ है मुझे। अपने सारे एक्सपेंसेस को बजट कीजिए, अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कीजिए, अननेसेसरी ईएमआईस के झंझट में मत घुसिए क्योंकि उसकी आदत पड़ जाती है और ये आदतें आगे जाके बहुत ही महंगी पड़ती हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और सोशल मीडिया के हर चैनल पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके वो अपना पैसा कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ वो कैसे बढ़ सकते हैं। आपके अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।